बारिश नहीं हुई थी तो उस समय मेरा करीब रोज का मेरा गल्ला था 5,000-6,000 रोज का था। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह नेवर गिव अप इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। आज मैं आया हूँ मिस्टर महेंद्र जी के पास, जो रोड साइड में अपना एक दुकान लगाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जूतों का शॉप एक्चुअली ये खोलते हैं, जूता लाते हैं और सेल करते हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग है ये भी, हम इनके बारे भी जानेंगे, ये क्या क्या किए हैं और कितने खर्च में ये चालू कोई भी कर सकता है, कोई भी अगर करना चाहता है ऑल इंडिया में तो इनसे संपर्क भी कर सकता है, ये सारी बातें हम इनसे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच महेंद्र जी आपका मेरे शो में आने के लिए। सो महेंद्र जी, आप ये कब से ये बिज़नेस कर रहे हो? ये बिजनेस मेरा करीब 6 महीना हो गया। हाँ, अभी 1 तारीख को मैं स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 2022 को। अच्छा। और इससे पहले मैं जॉब करता था, लेकिन मैं क्या है कि 2018 में रायपुर आया था और रायपुर में जॉब के सिलसिले में आया था। फिर मैंने एक चोलामंडलम में एक कंपनी थी जो फाइनेंस करती थी टू व्हीलर, तो वहाँ पर मैं जॉब करता था। वहाँ पर मेरी सैलरी कम करीब 15,000 था, प्लस इंसेंटिव अलग से बनता था, करीब 20-22,000 में महीने का कमाता था। फिर मैंने सोचा यार अब नौकरी कब तक करूँगा, और टेंशन भी रहता है नौकरी में, छुट्टी नहीं देते थे, तो मैं सोचा कि नहीं अब जॉब नहीं करूँगा कुछ और। फिर मैं ट्राई किया और फिर लेकिन फिर भी जॉब ही करना पड़ा क्योंकि घर के हालात थोड़ा ख़राब था। तो मैंने फिर बैंक अकाउंटेंट का काम किया, वहाँ भी मेरी सैलरी करीब 15 करीब था। फिर क्या है, फिर मेरे को फिर टेंशन आ गया यार कब तक जॉब करूँगा, क्या है कि मेरी फैमिली जब बढ़ेगी तो 15-20 हज़ार में क्या होगा कि फिर मैं ना, और एक तो प्रेशर भी रहता है काम का, और क्या है कि आगे चल के फिर मेरे को भविष्य बनाना था, तो मैंने ये काम को भी छोड़ा। और फिर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मेरे पास जेब में पैसा नहीं था, तो मैंने लोन लिया। मैंने ऐसे भाई लोगों से पूछा, भाई लोन चाहिए मेरे को, तो उन्होंने कहीं से भी मेरे को लोन दिलवाया 20-25 हज़ार रुपये का, और वही पैसे से मैं फिर एक जूते की दुकान डाला छोटा सा। तो महेंद्र भाई, आप पढ़ाई कितना किए हो ये बताओ दर्शकों को, आप क्या क्या किए हो उसके बारे बताओ। एक्चुअली मैं 12th पास करा था, उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक डीसी भी किया था, लेकिन डीसी करने के बाद फिर मैंने जॉब के सिलसिले में रह बुराया था, लेकिन जॉब मुझे पसंद नहीं आया, तो आज ये बिजनेस खोल के बैठा हूँ। लेकिन और आज इस बिजनेस, क्या बात कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो? हैं, वाओ। और आप जब ये कंप्यूटर किए, ग्रेजुएशन किए, जॉब किए, प्रॉब्लम आया, आप देखे प्रॉब्लम में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपने ये बिज़नेस खोल दिया है ना। तो ये रोड साइड जब बिज़नेस कर रहे हो तो यार शर्म नहीं लगता आपको? यार मैं पढ़ाई लिखाई कर लिया, अभी देखो कितने लोग, अभी मैं बता रहा हूँ मेरे को कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो यार कुछ भी करना चाहते हैं, समोसे का दुकान, चाय का ठेला, कुछ भी खोल के बैठना, खुद का राजा बनना चाहते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी भर नहीं कर पाते हैं। वो जानते हैं कि कमाई भी है उसमें, लेकिन लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि शर्म आता है एक्चुअल में। तो आप ये बताओ इस बार, जो अगर शर्म करेगा ना कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ। क्योंकि अगर जिसको सक्सेस चाहिए तो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, स्टार्ट में छोटा ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक अनुभव, एक सीख मिलती है, उसके बाद ही कोई बड़ा स्टेप कर सकते कोई। तो बड़ा आपके यार फैमिली वाले क्या कहते हैं, मतलब वो बोलते हैं बेवकूफ है एक तो एक नंबर? एक्चुअली क्या है, मैंने खोला था ये वाला दुकान, खोला तो मेरे घर में बोले भी थे, तो इतना पढ़ाई किया है, जॉब कर, क्या धंधा करा, लेकिन मैं अपना डिसीजन लिया और मैं स्टार्ट किया हूँ। आ जाओ ना, मैं अपने मेरे पापा से पैसा लिया हूँ ना, हेल्प लिया हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ मैं अपने पैसे से ही मैं आज दुकान खोला हूँ, और इस दुकान के बदौलत मैं एक यहाँ पर एक प्लॉट भी खरीद चुका हूँ रायपुर में। रियली? सो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी इंस्पायरिंग बंदे हैं भाई महेंद्र भाई, इनसे मिल के बहुत एनर्जी फील हो रहा है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। और ये आपने कितना का लोन लिया था? 25,000 करीब का लिया था बस। तो आप देख रहे हैं 25,000 से इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो आप ऐसा ये बहाना मत बनाइए कि बिज़नेस के लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ता है। ये मैं तो कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि मैं बिज़नेस नहीं कर पा रहा हूँ पैसे के वजह से, आप क्या सोचते हो ऐसे लोग? वो एक बहाना है, अगर इसको बिज़नेस करना जुनून रहता है तो कुछ भी कर सकता है इंसान, कहीं से भी करके पैसा ला के वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, मैं मानता हूँ ये बात। अच्छा ये बताओ कि ठीक है 25,000 में तो ये बिज़नेस चालू हो जाएगा, सामान कहाँ से खरीदे हम, कौन से मतलब किधर से लाते हैं, मुंबई, दिल्ली या कहीं कहाँ? एक्चुअली अगर आपके पास अमाउंट कम है 20-25 हज़ार है, तो आप लोकल में ही खरीदिएगा, क्योंकि आपको बेटर रहेगा। अगर जो लोकल थोक वाले जो रहते हैं, हाँ हाँ, जिसके पास अगर 1.5-2 लाख है, तो फिर आप आगरा जाओ या दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ से लाओ, उसमें ज़्यादा फायदा है, लेकिन उतना बजट नहीं है तो फिर लोकल से ही खरीदो, बढ़िया रहेगा। आप कितना कमा लेते पर शू में, या फिर पर डे कैसा इनकम? पर डे क्या है, जैसे
जब अभी बारिश नहीं हुई थी तो उस समय मेरा करीब रोज़ का मेरा गल्ला था 5,000-6,000 रोज़ का था। 5-6 हज़ार का? अरे वाह। फिर उसके बाद तो फिर क्या हुआ, मैं बारिश हुआ थोड़ा इनकम थोड़ा कम हो गया ना, रोज़ का 3,000-3,500 का धंधा हो जाता है। हाँ। लेकिन क्या उस बीच मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, उसमें मेरे पैसे लग गए, इसलिए अभी थोड़ा माल थोड़ा तो मतलब कम। आपने ये 6 महीना हो गए बिजनेस को चालू किए, आप प्लॉट भी उसी में खरीद लिए? खरीदा मैं। अरे वाह यार, ये तो बहुत। और मैं जॉब में 3 साल से किया, लेकिन मैं आज तक भी मैं एक गाड़ी नहीं खरीद पाया था, बता रहा हूँ अभी। लेकिन आज जो मैं धंधा किया हूँ तो आज मैं बहुत कुछ, और घर में सब सामान भी ले लिया कि मैं रूम से रहता हूँ, किराए से रहता हूँ आज। हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई बहुत इंस्पायरिंग है, और मैं क्या है खुश भी हूँ इस काम से। ऐसा नहीं कि मैं दुकान रोड पे लगाता हूँ तो कौन लोग क्या बोलेंगे, नहीं, अगर मैं लोगों की परवाह करूँगा तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। आप फ्यूचर क्या सोच रहे हैं, क्या आप बनना, क्या क्या करना चाह रहे हैं? मैं स्टार्ट मैं छोटे से किया हूँ, लेकिन आगे मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूँ आगे करके। हाँ, इसको और वो तो इसको मैन्युफैक्चरिंग का भी आप सोच सकते हो काम अगर? हाँ, एक्चुअली क्या है मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, लेकिन मेरा जो प्लान था वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें क्या मेरे पास फ्री टाइम रहेगा, जो भी वर्कर लोग काम करेंगे टेंशन नहीं। पर शू कितना हम उनको मिल जाता है, 40-50 रुपये कमा लेते हो पर शू? पर शू में क्या होता है, कभी 250 भी कमाते हैं, कभी 200। अगर कोई इस बिज़नेस को करना चाहता है ऑल इंडिया बेस पे कोई भी, और उसको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आपका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस चीज़ों के लिए तो हमेशा मैं अवेलेबल रहूँगा, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया जॉब के कारण ही आज पीछे है मैं कहता हूँ। महेंद्र भाई आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और आपको मैं एक सल्यूट देना चाहूँगा यार, जो यंगस्टर के लिए आप एक छवि बन रहे हो कुछ कर दिखाने का, इतने पढ़े लिखे हो, फिर उसके बाद आपने रोड के किनारे कुछ काम करने का हिम्मत दिखाया, ये सराहनीय है, ये सब लोग नहीं कर सकते, ये गट्स और ये चीज़ है, ये आप मैं कहूँगा कि लाखों में एक बंदा ऐसा कोई करता है, और आप ये कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और दोस्तों आप भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और महेंद्र जी से कुछ सीख लीजिए, और हमें ऐसे ही आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, कभी भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं तुरंत कीजिए, और अगर आप इस टाइप के कोई बिज़नेस शू लाइन में जाना चाहते हैं तो आप अभी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं उनका नंबर दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, डेली ऐसे वीडियो आया करेगा नेवर गिव अप इंडिया पे, आप ऐसे ही देखते रहिए वीडियोस नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइज, सी यू सून।